एक गांव में दो झोपड़ियां पास पास थीं। एक झोपड़ी में चकमा और उसके परिवार वाले रहते थे और दूसरे झोपड़ी में वीरू और उसका परिवार। चकमा नदी से मछलियां पकड़कर बेचकर गुजारा करता था और वीरू अपने घर पर ही मुर्गियां पालकर उनके अंडे बेचकर गुजारा करता था। बचपन में दोनों में अच्छी दोस्ती थी, लेकिन जैसे जैसे बढ़ते गए उन दोनों में दुश्मनी भी बढ़ती गई। वो छोटी छोटी बातों में आपस में लड़ते रहते थे। ये देखकर सारा गांव उनका खिल्ली उड़ाता और उन पर हंसता था। एक दिन एक युवक तालाब के पास मछली पकड़ते हुए चकमा के पास आया और साहब, मेरा नाम नवीन है, मैं अनाथ हूँ, आप मुझे कोई काम देंगे तो आपको बड़ा पुण्य मिलेगा। तब चकमा, ठीक है मेरे साथ रहो और मछली पकड़ने में मेरी मदद करो, मैं तुम्हें थोड़े बहुत पैसे दे दूंगा, तुम मेरे झोपड़ी में हमारे साथ रह सकते हो। यूं वो चकमा के साथ मछली पकड़ते हुए उसी के झोपड़ी में रहने लगा। एक और दिन एक और युवक वीरू के पास आया और कहने लगा, साहब मैं नौकरी की तलाश में हूँ, आप जो भी काम मुझे देंगे मैं कर लूंगा साहब, बस बदले में मुझे थोड़ा सा खाना और सर छुपाने के लिए जगह काफी है, मेरा नाम प्रवीण है साहब। तब वीरू, ठीक है तुम मेरे साथ रहो और ये जो मुर्गियाँ अंडे देती है ना, उन्हें बाजार में ले जाकर बेचना, यही तुम्हारा काम है, तुम हमारे साथ ही रह सकते हो। क्यों रे चकमा, बड़ा खुश हो रहा था कि तेरे पास एक लड़का आ गया नौकरी करने के लिए। मेरे पास भी ये लड़का काम पे लगा हुआ है, यूं कहा गर्व के साथ। तब चकमा और नवीन ने प्रवीण को देखा। चकमा उसे यूं देखने लगा मानो कह रहा हो, ये कोई खास नहीं है। तब से प्रवीण वीरू के पास सब काम करने लगा। एक बार उस गांव में भीषण अकाल आया, तालाब में पानी सूख गया और बिना मछली के चकमा परेशान होने लगा। नवीन ने इस बात पर गौर किया और वहां वीरू की मुर्गियों को बीमारी हुई और बहुत सारी मुर्गियां मर गईं। यूं अंडे कम हुए तो वीरू भी बहुत दुखी होने लगा। ये देखकर प्रवीण भी चिंता में पड़ गया। चकमा के घर वाले बिना कुछ खाए पिए सिर्फ पानी से पेट भरने लगे तो ये देखकर नवीन बहुत दुखी हुआ और वहाँ प्रवीण भी वीरू के घर की परेशानी देखकर बहुत दुखी हुआ। बाद में नवीन और प्रवीण चकमा और वीरू की परेशानी देखकर दोनों एक नतीजे पर पहुँचे। अगले दिन नवीन, चकमा जी ये अकाल इतनी जल्दी दूर नहीं होने वाली, पर अगर आप मैं जैसा कहूँ करें तो सिर्फ आप नहीं आपके दोस्त वीरू की परेशानी भी दूर हो जाएगी, अगर आप दोनों मिल जाएं तो आप दोनों की परेशानी दूर हो जाए। तब वीरू, ए बीच में मेरा नाम क्यों ले रहे हो, मैं इसके साथ मिलकर कुछ नहीं करने वाला। तब प्रवीण, हाँ वीरू जी, कल नवीन ने मुझे सब कुछ बताया कि क्या करना चाहिए, ये काम आप दोनों को मिलकर करना होगा, इसीलिए वो कह रहा है कि आपका भी भला होगा, आप दोनों आपस की दुश्मनी को जरा अलग रखिए और अपने अपने परिवार की भूख मिटाने के बारे में सोचिए, आप मना ना करना। यूं दोनों मान गए। चकमा, ठीक है बताओ क्या करना होगा। तब नवीन और प्रवीण ने मिलकर उन दोनों को क्या करना होगा ये समझाया। अगले दिन सब ने मिलकर एक ठेला लिया, उसमें खाना पकाने का सब सामग्री रखा, उस ठेले पर एक बोर्ड भी लटकाया, फिश फ्राई ऑमलेट। चकमा तालाब के पास जाकर जो थोड़ी बहुत मछलियां मिलती उन्हें पकड़ कर लाता, तो वीरू मुर्गी के अंडे लेकर आया। वहां नवीन और प्रवीण ने मिलकर फिश फ्राई ऑमलेट बनाया। वहां जो लोग आए उसका स्वाद देखकर हैरान रह गए और फिश फ्राई ऑमलेट की खूब प्रशंसा करने लगे। उस दिन से वीरू और चकमा मिलकर फिश फ्राई ऑमलेट बनाकर लोगों को देने लगे और खूब पैसे कमाने लगे। उनके घर वाले भी तीन वक्त रोटी खाते हुए बहुत खुश रहने लगे। ये देखकर नवीन और प्रवीण बहुत खुश हुए। गांव वाले भी वीरू और चकमा को एक होते हुए देखकर हैरान रह गए। एक दिन उनके ठेले के पास एक बहुत बड़ी महंगी गाड़ी आकर रुकी। उस गाड़ी में से सूट बूट पहना हुआ एक बड़ा व्यक्ति आकर उतरा। उस व्यक्ति को देखकर नवीन और प्रवीण ने उनके पैर छूकर उन्हें प्रणाम किया। उस बड़े व्यक्ति ने दोनों को ऊपर उठाया और दोनों से, कैसे हो मेरे बच्चे, आप दोनों ने जो ये भले का काम किया ये देखकर पिता होने के नाते मैं बहुत गर्व महसूस कर रहा हूँ। ये सुनते ही वीरू चकमा और वहाँ खड़े लोग सब हैरान रह गए। वो व्यक्ति, वीरू जी और चकमा जी को मेरा नमस्कार, मैं मित्तल ग्रुप ऑफ कंपनीज का मालिक हूँ, ये दोनों मेरे बेटे हैं, नवीन मित्तल और प्रवीण मित्तल, दोनों की आपस में बिल्कुल नहीं बनती थी, दोनों में एकता बिल्कुल नहीं थी,
इनकी ये हरकतें देखकर मैं बहुत दुखी था, इसीलिए इन दोनों में प्यार बढ़ाने के लिए मैंने इन दोनों को अलग अलग आप दोनों के पास भेजा। तब नवीन, हाँ पिताजी, इन दोनों की दुश्मनी को देखने के बाद मेरे समझ में आया कि मिलजुल कर रहने में कितनी खुशी है। तब प्रवीण, हाँ पिताजी, जब ये दोनों दुश्मन मुसीबतों से जूझ रहे थे तब हम दोनों ने मिलकर इनकी समस्या का समाधान निकाला, तब मेरे समझ में आया कि भाइयों को कैसे रहना चाहिए, अब से हम मिलजुल कर रहेंगे पिताजी। ये सुनकर वहाँ खड़े लोगों ने खुशी से ताली बजाई।